एक तरफ सरकार यहां महिलाओं को सशक्त और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की कई योजनाएं उपलब्ध करवाने के दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ कई संस्थाएं भी महिलाओं को सशक्त और उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने का भी भरपूर प्रयास करती है। इसी कड़ी में उत्तरांचल क्लब ट्रस्ट द्वारा केओ ग्रीन एनर्जी के साथ साझेदारी कर एक नई पहल करते हुए देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाली महिलाएं और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की शुरुआत गुरुवार को दिल्ली के मोती नगर में स्थित एक बैंक्वेट हॉल में करी गई। उत्तरांचल क्लब ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र आर्या ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि उनकी संस्था का उद्देश्य महिलाओं और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवा उन्हें सशक्त बनाना है। इसी उद्देश्य को महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी संस्था की एक महत्वाकांक्षी योजना को तैयार किया गया था, जिसके तहत एक तो नौकरियों को सृजन करना, दूसरा व्यापक प्रशिक्षण देना और तीसरा शिक्षा में सहयोग करना है। उत्तरांचल क्लब ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र आर्या ने बताया कि उनकी संस्था ने केओ ग्रीन एनर्जी के साथ साझेदारी कर महिलाओं और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ई रिक्शा, फूड कार्ट, लोड रिक्शा, डिलीवरी सर्विस और मोबाइल ई शॉप्स चलाने का मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी योजना पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लोन उपलब्ध करवाने के लिए जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी और इसके साथ संस्था शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्यरत है। शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क और उच्च शिक्षा दी जाएगी ताकि युवाओं को करियर बनाने में मदद मिले। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में। प्रेस वार्ता में उत्तरांचल क्लब ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र आर्या ने क्या कहा, देखे हमारे संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में। दो ऐसे लोन हैं जो हर आम आदमी को मिल सकता है जो बिजनेस करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है। इसी की वजह से उत्तरांचल क्लब ने इनिशिएटिव लिया है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर इस तरीके की जो भारत सरकार की निकाली गई स्कीम्स हैं जो महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए एक स्टार्टअप के तहत नया बिजनेस स्टार्ट करने का मुहिम चलता है, तो उस पर उत्तरांचल क्लब और केओ ग्रीन जो है वो थोड़ा सा और भी इसके साथ जुड़ के उन लोगों तक जहां तक हमारे देश में निकाली गई स्कीम जो पहुंच नहीं पाती, तो हमारे वॉलंटियर जो है घर घर जाके उसका प्रचार करेंगे और नए उद्योगों के बारे में बताएंगे और महिलाओं को इस तरीके के उद्योग कराएंगे जो घर पे बैठे कर सके। साथ ही बहुत ज्यादा चलन चल चुका है ई कार्ड का, ई फूड कार्ड का। आजकल आपने देखा होगा कि पूरे देश भर के अंदर जो सब्जी वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, वो रेडियो को धक्का देते हैं, तो हमारी केओ ग्रीन एनर्जी ने कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जिसके अंदर बहुत इजी हो जाएगा और जो पॉल्यूशन फ्री है। हमारे देश में पॉल्यूशन का बहुत बुरा हाल है और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि केओ ग्रीन एनर्जी ने ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल रेडी करे हैं जिसके अंदर जो हमारी माताएं हैं स्वरोजगार के तहत उस बिजनेस को कर सकती है, जैसे ई फूड कार्ड, गोलगप्पे की चाट पापड़ी, बर्गर पिज्जा, साउथ इंडियन की कार्ड, फ्रूट की कार्ड और साथ में मसाले अचार पापड़ की कार्ड, लेडीज कॉस्मेटिक अंडरगारमेंट की कार्ड और जितने भी आज आपने देखे हैं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी ये टायर थ्री टायर फोर के अंदर डिलीवरी नहीं देते और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ डिलीवरी नहीं पहुँचती, तो उस वजह से हमने ई कार्ड बनाई है जो गाँव देहातों के अंदर सामान के साथ रहेंगी और हर एक जगह पर महिला सशक्तिकरण और युवा सशक्तिकरण के माध्यम से तो जितना भी रोजगार है गांव देहातों में भी आप डिलीवरी पहुंच पाएगी टायर थ्री टायर फोर में। तो आप मीडिया के माध्यम से आप लोगों का शुक्रगुजार है कि जितनी जल्दी हो सके हमारी माताओं बहनों को और युवाओं को ग्रामीण से पलायन के लिए रोकें और उनका छोटा बाजार, छोटा मॉल, छोटी शॉप उनके मुताबिक वहीं पर खुलवाने में हमारी मदद करें, जिसके लिए हम भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मुद्रा लोन जैसी स्कीम, महिला सशक्तिकरण जैसी स्कीम निकाली है। इसके प्रचार से और कुछ हमारे साथ बैंक भी जुड़े हैं और कुछ हमारे साथ लोग जुड़े हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनी जुड़ी है जो महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी फाइनेंस करेगी और उनको 100% इस तरीके के बिजनेस को फाइनेंस करेंगी कि वो अपना घर चला सके और अपने बच्चों को भी IAS और इंजीनियर बना सके। और साथ में हमारा ड्यूका अकेडमी करके एक पोर्टल है जिसके अंदर हम लोग फ्री बच्चों को एजुकेशन देते हैं ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए। उसके अंदर हम लोग JEE मेंस की तैयारी, UPSC की तैयारी, नीट की प्रिपरेशन, साथ में 10th, 11th, 9th, 10th सबके कोर्सेज अब हम फर्स्ट से भी स्टार्ट करें, उसका भी सिलेबस ऑनलाइन हमारी ऐप द्वारा हम लोगों ने देव ऐप के अंदर
अगर जो बच्चा भी हमारी टेस्ट सीरीज आती है उसके अंदर टेस्ट के अंदर भी टॉप करता है तो हमारी कंपनी उसको आईफोन प्रो मैक्स साथ में आईपैड कंप्यूटर और 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप देती है आगे की पढ़ाई के लिए। अभी योगा की वजह से कुछ ग्रामीण सरकारी स्कूलों के बच्चे जो हैं वो जेई में क्लियर हुए हैं, जिनका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ है अच्छे कॉलेजों के अंदर, और कुछ बच्चे मेडिकल में सिलेक्शन हुआ है नीट की वजह से जो अच्छे कॉलेजों में एडमिशन हुआ है। तो मैं पूरे भारत सरकार में उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो एजुकेशन का अभी भी अभाव है और या फिर वो लोग जो सक्षम नहीं है बड़ी बड़ी कोचिंग करवाने में, वो अपने बच्चों को ड्यूका अकेडमी के साथ जोड़िए, हम लोग उन्हें फ्री उसी तरीके से पढ़ाएंगे जैसे हायर कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं और उनके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर और देश की तरक्की में हाथ बढ़ा सकेंगे। न्यू ग्रीन एनर्जी में हमारे जितने भी मॉड्यूल बने हैं वो बिजनेस स्टार्टअप को लेके बने हैं महिलाओं के लिए। उसके अंदर हमारा पहला मॉड्यूल है ई रिक्शा। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल ई रिक्शा का बहुत चलन चला है और महिलाएं भी ई रिक्शा चला रही हैं। तो ई रिक्शा हमारा 2,14,000 का है और अगर हम लोग उन महिलाओं के साथ जुड़ते हैं तो 1,87,000 का भी पड़ता है। वो सारा का सारा हम लोग फाइनेंस कर रहे हैं 2,14,000 रुपये, चाहे हम लोग मुद्रा लोन से कराएं, चाहे MSME से कराएं, चाहे माइक्रो फाइनेंस कंपनी बैंकों से कराएं, या फिर हम बैंकिंग सेक्टर से कराएं, या फिर हमारी कंपनी खुद फाइनेंस करेगी, कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं जो फाइनेंस करेंगे। मेरे साथ मेरे पार्टनर बैठे हैं मिस्टर पवन जोशी, दलप्रीत बैठे हैं, विजय जी बैठे हैं, ये मेरी कोर टीम है जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के नए नए प्रोडक्ट को बना रहे हैं। सर इधर महिला पढ़ी लिखी होनी चाहिए, कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए और लाइसेंस? महिला पढ़ी लिखी होनी चाहिए और कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ये इसका इसका कोई महत्व नहीं है, ये नो बार। अगर आप महिलाओं की बात करेंगे तो आज हमारी माताएं बहनें बहुत सक्षम है, उनको आगे बढ़ने दीजिए। पहले तो मैं चाहूंगा कि बेटियों को पढ़ाइए, साथ में जो पढ़े हुए नहीं भी है उनके लिए भी हमारे फूड कार्ड है, क्योंकि हर एक महिला को रोटी बनानी सब्जी बनानी आती है। हाँ जी सर, आपका क्वेश्चन था क्लब के बारे में थोड़ा बता दीजिए क्या-क्या इसमें। उत्तरांचल में पिछले 5 साल के अंदर जब से कोविड आया था, समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं और महिला समूह बनाए जिनसे हम लोग धूपबत्ती अगरबत्ती गोल से बनवाते हैं, अचार पापड़ बनवाते हैं और ऐसी चीजों को बनाने के बाद हमारा उत्तरांचल क्लब उनसे ले लेता है उसी टाइम पर, हम लोग खुद अपने माध्यम से उसको पूरे इंडिया के अंदर विदेशों में भेजते हैं जिससे महिला सशक्तिकरण हो और उनकी इनकम हो। शुरुआत में कितनी महिला को आप जो है कि हेल्प करने जाए? 45,000 महिलाएं हमसे जुड़ चुकी हैं अभी उत्तराखंड के अंदर, 45,000 महिलाएं हमसे जुड़ चुकी हैं उत्तराखंड के अंदर जो हमारा बकरी पालन का काम कर रही है और इस तरीके के लघु उद्योग के लोग हैं। अब हमारा टारगेट है 10 लाख महिलाओं को पूरे भारतवर्ष के अंदर जोड़ने का। महिलाओं से सिंगल पैनी हम लोग नहीं लेंगे, हम 100% फाइनेंस करा के उनको काम कराएंगे। अगर कुछ हुआ तो अगर रिक्शा और ई कार्ड के अंदर अगर हमने उनसे पैसे लेने तो वो सिर्फ इंश्योरेंस के और RDO के पैसे लेने, अगर वो भी जिसके पास नहीं होगा वो भी हमारी कंपनी उत्तरांचल क्लब और KO ग्रीन की तरफ से हम लोग उनका देने। देखिए लाइसेंस का काम जो सरकार करती है, हमारा काम है उनको जितने भी नॉर्म्स है लाइसेंस की वो बताना और हमारे वॉलंटियर जो है उनको लाइसेंस के ट्रैफिक नियम बताएंगे और लाइसेंस बनवाने में उनकी मदद करेंगे गाड़ी चलाने में। जब महिला गाड़ी चलाना सीख जाएगी तो लाइसेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा उनका, क्योंकि हमारे भारतवर्ष के अंदर RTO में भी सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम को फॉलो करना हम सिखा देंगे तो डेफिनेटली बन जाएगा। और जो ई व्हीकल है वो ई व्हीकल लो स्पीड है, लो स्पीड का मतलब है कि बिल्कुल सेफ है उसके अंदर, अगर एक्सीडेंट भी होता है तो कोई चोट नहीं आती, क्योंकि 25 से नीचे चलते हैं तो लाइसेंस मिलना बहुत आसान है। दिल्ली के लिए तो ऐसा पॉइंट आपने चूज किया है कि यहाँ पे खाने पीने की जो रेडी अपना जो जो का लगेगी? देखिए मैं पूरे भारत सरकार से हाथ जोड़ के और आप मीडिया के माध्यम से मन से निवेदन करूंगा कि जहाँ पर भी हमारी महिलाएं और माता बहने इस तरह का व्यवहार करें तो उनको सपोर्ट करें, और ज्यादा से ज्यादा मैं अपने पुलिस वाले भाइयों से ही बोलूंगा कि महिलाओं की रेडी ज्यादा रखने दें, उनके रिक्शे में सपोर्ट करें और उनको रोजगार में मदद करें। और हम लोग ये भी MSME के थ्रू मुद्रा लोन के थ्रू भारत सरकार के लिए हमने कुछ चीजें बना रखी हैं कि हम लोग वहाँ पर प्रपोज कर रहे हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारा उत्तरांचल क्लब का जो सर्कल है परिवार है उसको बड़ा करें, साथ में KO ग्रीन के जितने भी कार्ड लगे वैदेश की कार्ड लगे उस पर हमारी सपोर्ट करें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह ई रिक्शा, फूड कार्ट, लोडर रिक्शा, डिलीवरी सर्विस और मोबाइल ई शॉप, ये सभी एक नए लुक में नजर आ रहे हैं और साफ सुथरी और स्वच्छ लोगों को सेवा मिल सके। यह एक अच्छी शुरुआत है और इसके साथ ही कोई प्रदूषण की भी कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि ये सभी कार्ट बैटरी से चलने वाली है।
टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।